रावण महान पंडित था, रावण के अंडर में सारे देवी देवता उनके उसके अधीन थे, इतने प्रचंड विद्वान था। बैजनाथ धाम जिसको पूजा करने आप लोग भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, किसने स्थापना लाया वहां से भगवान शिव को, किसमें इसमें ताकत है कि जो कैलाश पर्वत से भगवान शिव को तपस्या करके उठाकर लेकर चला आया। उस रावण को लोग हम लोग अहंकारी कहते हैं, हम लोग तरह तरह की बात करते हैं और कहते हैं कि उनका पुतला हर साल दहन होता है। हम पूछना चाहते हैं कि रावण की क्या गलती है। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, सीता माँ, हमारी सीता माँ है, सब लोग कहता है, हम लोग भी कहते हैं, सीता माँ का हरण किया। क्यों किया? अगर आपकी बहन का नाक कान कोई काट दे तो आप क्या करिएगा? उस आदमी को प्रणाम करिएगा क्या जाकर के? रावण की राजा का काम है न्याय करना, आगे प्रजा जो कह दिया सही बात मान जाएंगे तो आप न्यायप्रिय राजा कैसे हुए, आप बताइए हमको। सीता के साथ क्या न्याय हुआ? जो गर्भवती स्त्री थी, जिसकी सतीत्व आपने भी परख लिया था, अग्नि से जिसको आपने निकाल कर लाया, और उस सीता को गर्भवती गर्भ के स्थिति में आपने अयोध्या से बाहर निकाल दिया, तो सीता के साथ कहां न्याय हुआ आप बताइए हमको? आपको पुतना तो भीष्म पितामह का भी करना चाहिए, जिन्होंने अंबे अंबा अंबालिका तीनों कन्याओं का अपहरण करके उठा लाए और ला करके दो आदमी का शादी करा दिया, एक कन्या को छोड़ दिए जो बाद में सिकंडी के रूप में जन्म हुआ उसका, उसी से उनका नाश हुआ भीष्म पितामह का। आप भीष्म पितामह का प्रतिमा का क्यों नहीं पुतला दहन करते हैं? जो बीच हमारे सारे मित्र बंधु, सारे बिहारवासी, सिवानवासी, प्रदेशवासी, देशवासी, सारे शुभचिंतक लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं टूनाजी पांडे, पूर्व MLC सिवान बिहार। मित्रों, उस दिन के बाद आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। असल पैर में हमारा बहुत ज़्यादा चोट लग गया था, चार उंगली कट गई है हमारी, लेकिन चार उंगली कटने के बावजूद भी माँ भगवती के आशीर्वाद से और आप लोगों को दया दुआ से अभी स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं। प्लास्टिक सर्जरी हुआ है तो गाड़ी से उतर नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम गाड़ी में बैठकर ही आप लोगों से आशीर्वाद दुआ मांग रहे हैं। देखिए मित्र, हम जब बोलते हैं तो लोग तरह तरह की भावना भड़काने की कोशिश करता है, कोई जात से जोड़ देता है तो कोई पार्टी से जोड़ देता है, कोई दल से जोड़ देता है। दरअसल हम दल, पार्टी और जात से अलग हटकर ही आप लोगों के विषय में कुछ बात करते हैं। आज की मेन मुद्दा है, आप ध्यान दिए होंगे पिछले बार जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में एक दल के शीर्ष नेता जी कह रहे थे कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तेजस्वी सर, आप लोग सुने होंगे। उनके एवज में दूसरा दल के, दूसरे पार्टी के दूसरे लोगों ने कहा कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार बिहार में देंगे। चुनाव हुआ, जिसका जीत हुआ, किसका हार हुआ, सब आप लोगों को पता है। सिर्फ आप लोगों से उन्होंने निवेदन हम यही कहेंगे, आप पिक्चर देखे होंगे देश प्रेमी, मेरे देशवासियों आपस में प्रेम करो, हम सिर्फ आप सारे बिहारवासियों से आग्रह करेंगे कि भाई चुनाव बीत गया, ये मुद्दा कहाँ गया? आप लोग एक भी हमारे बेरोजगार युवक, हमारे एक भाई बंधु, एक दल के लोग ये आवाज नहीं उठा रहे हैं। आप सब लोग कहिए मेरे बिहारवासियों, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से रोजगार मांगिए बिहारवासियों, ये हमारा आप लोग से अनुरोध है। लेकिन आप लोग तो चुनाव हुआ, दल आया गया, बीत गया, अब आप लोग रोजगार मांगना भूल गए, फिर दल आएगा, फिर आप लोग आपस में लड़ जाइएगा। कम से कम 19 लाख लोगों का रोजगार कहाँ गया? मिलना चाहिए कि नहीं सो आप बताइए, आप लोगों को मांगना चाहिए, बोलना चाहिए। हम बोलेंगे तो लोग हमको तो तरह तरह के लोग कहबे करता है, उससे कोई परवाह नहीं है। अब चलिए एक बहुत अच्छी धार्मिक बात आपसे बता रहे हैं, हम अनुरोध भी कर रहे हैं और आवाज भी उठा रहे हैं। आप देखते होंगे जब रामनवमी होता है, हम भी आस्तिक आदमी है, नास्तिक नहीं है, हमें लगता है कि लोग नास्तिक कहना चालू कर देगा, आप इसको अच्छा नहीं लगेगा। रामनवमी की पूजा हम भी करते हैं, आप लोग भी करिए। आप एक देखते होंगे कि हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है, रावण का पुतला दहन किया जाता है। आखिर क्यों रावण का पुतला दहन क्यों किया जाता है आप बताइए? रावण को लोग कहता है आतिताई है, रावण को लोग उपमा देता है, आतिताई है रावण, रावण राक्षस था, जबकि रावण संहिता आज भी प्रचलित है, रावण महान पंडित था, रावण के अंडर में सारे देवी देवता उनके उसके अधीन थे,
इतने प्रचंड विद्वान था। बैजनाथ धाम जिसको पूजा करने आप लोग भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, किसने स्थापना लाया वहां से भगवान शिव को, किसमें इसमें ताकत है जो कैलाश पर्वत से भगवान शिव को तपस्या करके उठाकर लेकर चला आया। उस रावण को लोग हम लोग अहंकारी कहते हैं, हम लोग तरह तरह की बात करते हैं और कहते हैं कि उनका पुतला हर साल दहन होता है। हम पूछना चाहते हैं कि रावण की क्या गलती है। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, सीता माँ, हमारी सीता माँ है, सब लोग कहता है, हम लोग भी कहते हैं, सीता माँ का हरण किया। क्यों किया? अगर आपकी बहन का नाक कान कोई काट दे तो आप क्या करिएगा? उस आदमी को प्रणाम करिएगा क्या जा करके? रावण की बहन सुपर्णखा, उसका नाक और कान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के भाई लक्ष्मण जी ने काट दिया। उसके एवज में जाकर अपने भाई से रोई गई, वो सीता को हरण कर लिया। सीता के साथ कोई अभद्र व्यवहार तो किया नहीं, सीता को एकदम पवित्र बनाकर अपने यहां रखा। रावण कितना मर्यादित व्यक्ति था आप इसी से समझ जाइए। अगर राम किसी की बहन का नाक काट लिया गया, उसके एवज में उन्होंने सीता का हरण करके लेके चले गए, तो इसके लिए रावण का पुतला हर बार दहन करते हैं। आपको पुतला तो भीष्म पितामह का भी करना चाहिए, जिन्होंने अम्बे अम्बा अम्बालिका तीनों कन्याओं का अपहरण करके उठा लाए और ला करके दो आदमी का शादी करा दिए, एक कन्या को छोड़ दिए जो बाद में सिकंडी के रूप में जन्म हुआ उसका, उसी से उनका नाश हुआ भीष्म पितामह का। तो आप भीष्म पितामह का प्रतिमा का क्यों नहीं पुतला दहन करते हैं कि जो बीच स्वयंवर में से तीन कन्याओं का अपहरण करके उठा के लेके चले आए? अगर आपको पुतला दहन करना है आप दुशासन का पुतला क्यों नहीं दहन करते हैं जो बीच सभा में एक स्त्री द्रौपदी का चिरहरण कर रहा था और सारे लोग वहां बैठकर देख रहे थे? तो उस भारी सभा में द्रौपदी की अपमान हो रही थी तो उसकी प्रतिमा को क्यों नहीं हर साल जलाया जाता है? अगर आपको जलाना ही है तो कंस जैसा अतिताई कौन था? रावण कौर कंस लोग कहता है, कौरों का भी पुतला दहन होना चाहिए, कंस का भी पुतला दहन होना चाहिए, लेकिन कंस का पुतला क्यों नहीं दहन होता है आप बताइए हमसे? कोई आदमी इस पर ध्यान नहीं देता है, इसीलिए कि ये लोग एक विशेष वर्ग से हैं और ब्राह्मण जात से आते हैं। रावण को लोग कहता है रावण ब्राह्मण जात के हैं और हमारे प्रकांड विद्वान ही, हमारे पंडित ब्राह्मण ही नहीं इसको बढ़ावा देते हैं। रावण का पुतला हर बार दहन होता है जबकि रावण सीता माँ के कुछ नहीं किया, उसकी बहन का नाक कटा अपहरण करके ले गया। और जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आप लोग नाम ले रहे हैं, जिसके चलते पूरे रावण के खानदान को मार दिया गया, वो जब गर्भवती थी तो उसको अयोध्या से बाहर निकाल दिया गया। माँ सीता को, हमारी माँ सीता को, जिसको जगत जननी माँ जगदम्बा सीता कहते हैं, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से निकाल दिया, गर्भवती स्त्री को, किसके कहने पर? एक प्रजा के कहने पर। राजा का काम है न्याय करना, आगे प्रजा जो कह दिया सो ही बात मान जाएंगे तो आप न्यायप्रिय राजा कैसे हुए आप बताइए हमको? सीता के साथ क्या न्याय हुआ? जो गर्भवती स्त्री थी, जिसकी सतीत्व आपने भी परख लिया था, अग्नि से जिसको आपने निकाल कर लाया और उस सीता को गर्भवती गर्भ के स्थिति में आपने अयोध्या से बाहर निकाल दिया, तो सीता के साथ कहां न्याय हुआ आप बताइए हमको? और रावण का पुतला दहन करते हैं आप सारे लोग मिलकर के, आप सारे विप्र बंधु से, पूरे देश प्रदेश विश्व के विप्र बंधु से हम आग्रह करेंगे कि रावण दहन का आप विरोध करिए। अगर रावण दहन होगा दुशासन दहन होना चाहिए, कंस दहन होना चाहिए, कंस का भी पुतला जलना चाहिए, कौरों का पुतला जलना चाहिए, लेकिन हमें लगता है इन सब का पुतला नहीं दहन होता है, खाली रावण का ही क्यों पुतला दहन होता है? एक गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है। रावण इतना बड़ा विद्वान, दक्षिण भारत में उनकी पूजा होती है रावण की, रावण संहिता आज भी मान्य है, और इतना प्रखंड विद्वान पंडित का पुतला हर साल दहन होता है, लेकिन हम विप्र चुपचाप लगाए रहते हैं, हम ही मंत्र पढ़ करके उनके पुतला को जलाते हैं रावण की। इसका हम लोग विरोध करें। हम ब्राह्मण हमेशा दबे कुचले दलते समाज के चलते
कि भाई कोई हमें कुछ गलत ना कहे, हमने अपने को ही हमेशा तिरस्कार किया है, तिरस्कृत किया है, इस पर ध्यान देने की योग्य है। रावण का पुतला दहन नहीं होना चाहिए। ये सारे लोग हम लोग, हाँ रामनवमी मनाइए, धूमधाम से मनाइए, हम भी मनाएंगे, आप भी मनाइए। भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो पुरुषों में उत्तम थे, राजा रामचंद्र थे, उनकी तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान परशुराम की पूजा करने में आप अपने को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, ये दुख की बात है। क्यों भगवान परशुराम की पूजा करने में क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, जबकि भगवान परशुराम छठे अवतार थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र का संधि विच्छेद करिए तो आपको पता लग जाएगा कि भगवान की उपाधि सबसे पहले किनको मिली, कौन है। आप समाज से हम लोग डर करके, लोगों से डर करके, हम लोग अपने आराध्य देव को भूलते जा रहे हैं, अपने को अपमानित करते जा रहे हैं। अपने वंशज रावण को जो पुतला दहन हर साल होते जा रहा, वो भगवान राम से उन्होंने लड़ा, भगवान राम ने अपने अनुज को भेजा उनसे सब ज्ञान लेने के लिए भी, लेकिन रावण का पुतला दहन के लिए रामचंद्र जी ने बोले थे क्या? आज जो आदमी अपने गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल दे उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे राजधर्म। राजधर्म कौन सा हुआ भाई? वो उस राज का ही तो मां सीता थी, तो मां सीता का क्या न्याय था, क्या गलती था मां सीता को कि जो अयोध्या से बाहर निकाल दिया गया? ऐसी मां सीता में क्या गलती थी आप बताइए? एक प्रजा के कहने पर आपने निकाला और प्रजा बाद में माफी भी मांगा कि नहीं गलत हमसे हो गया, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। आप हमको बताइए, जब आप जज हैं, आपका काम है ना जजमेंट करना कि जो कहेगा उसका बात मान लेना है। जब केस राजा जज हुआ, राजा मालिक हुआ, राजा के पास जब कोई केस आया तो उसको जजमेंट करना चाहिए। उन्होंने मां सीता के साथ क्या जजमेंट किया आप ही बताइए हमको, कमेंट करिए। हमें नास्तिक आप कहिएगा, हमको पूरा विश्वास है, एक वर्ग विशेष के लोग हमको आप शब्द बोलेंगे भी, हमको विश्वास है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सत्य बोलना है तो सत्य बोलना है, चाहे इसके लिए जो कुछ हो जाए। आप लोग से आग्रह करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे और केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे, रावण के पुतला दहन पर रोक लगाया जाए, नहीं तो हम इसको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन जरूर करेंगे। अभी इस रामनवमी में अगर रावण का पुतला दहन जहां जहां होगा, हम इसके लिए पुरजोर ब्राह्मण समाज से भी अनुरोध करेंगे कि सब राय लोग विरोध करें, और सरकार से अनुरोध करेंगे कि रावण पुतला दहन को रोका जाए, अन्यथा उस सारे आतिथायों का पुतला दहन किया जाए, जैसे दुशासन, कौरव, कंस, भीष्म पितामह जो कन्या का हरण कर लिया, ऐसे ऐसे हजारों नाम हमारे पास हैं जो शास्त्र से ही निकालकर आपको हम दे देंगे। भगवान इंद्र से भी तो खराब नहीं थे ना रावण, अहल्या मां के साथ क्या हुआ सो आपको पता होना चाहिए, बहुत प्रमाण है। अब कितने लोगों का नाम हम रखेंगे? सुभद्रा का हरण करके अर्जुन लेकर भाग गए, क्यों नहीं उनका दहन होता है? भगवान कृष्ण की बहन जो सुभद्रा थी उनकी साथ में, प्रद्युम्न जी हरण करके लेकर चले आए कृष्ण जी के लड़के जो थे, एक आदमी को, एक स्त्री को, क्यों नहीं उनका पुतला दहन होता है? खाली रावण पर ही क्यों लागू होता है? रावण कितने लोगों को मारा है आप हमको बताइए कमेंट करके। रावण कितने रावण राक्षस था सब लोग कहते हैं, कितने लोगों को रावण ने मारा भाई? रावण कितने लोगों को ने मारा, कितने ऋषि मुनि को मारा? ऋषियों से कर लिया, कर लेना हर राजा का अधिकार है, उसने ब्लड ही कर लिया। आज आप ब्लड दान नहीं देते हैं क्या? आज ही तो ब्लड को दान दिया जाता है, आज ही ब्लड दान आप देते हैं। आपके पास पैसा नहीं था, आपने ब्लड कर दिया, कौन बड़ी बात है इसे भाई? राजा का काम है कर लेना, लगान लेना, लगान लिया। चलिए हम सारे विप्र बंधु और सारे ब्राह्मण लोगों से हम हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, देश विदेश, बिहार, शिवान, सारे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण से लेकर के और प्रांतीय ब्राह्मण और राज्य के ब्राह्मण जितने लोग हैं, आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके कि रावण का पुत्र